टीवी एक्टर विकास शेट्टी ने दुनिया को अलविदा कह दिया है। मुंबई में उनका अंतिम संस्कार किया गया जहां वो पंच तत्व में विलीन हुए, क्योंकि सास भी कभी बहू थी कहीं तो होगा और ससुराल सिमर का जैसे टीवी शो के लिए मशहूर अभिनेता विकास शेट्टी का 48 साल की उम्र में शनिवार रात को नासिक में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। विकास शेट्टी के निधन की खबर ने सभी को झकझोर कर रख दिया। सोमवार को विकास का अंतिम संस्कार मुंबई में किया गया, जिसमें उनके परिवार के सदस्यों के साथ साथ कई हस्तियां भी शामिल हुई। उसी बीच विकास शेट्टी के अंतिम संस्कार में उनकी मां का एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है, जिसे देखने के बाद आप अपने आंसू नहीं रोक पाएंगे। अभिनेता की मां सुरेखा शेट्टी का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वो अपने बेटे के पार्थिव शरीर को देख कर फूट फूट कर रोती दिखाई दे रही है। वहां मौजूद लोग उन्हें देख खुद के आंसू नहीं रुक पाते हैं। नितिन तेजवानी और शरद केलकर जैसे अभिनेता भी विकास को अंतिम श्रद्धांजलि देते हुए देखे गए। अभिनेता जसवीर कौर और दीपक तिजोरी भी विकास के अंतिम संस्कार में शामिल हुए। विकास शेट्टी की पत्नी जाह्नवी शेट्टी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया है। अंतिम संस्कार के दौरान जाह्नवी रोती बिलखती दिखी तो कभी अपने जुड़वा बच्चे को संभालती दिखी, क्योंकि सास भी कभी बहू थी कहीं तो होगा कसौटी जिंदगी की जैसे शोज का हिस्सा रहे विकास शेट्टी घर घर में पहचानने वाला चेहरा बन गए थे। जाह्नवी ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि कैसे विकास की मौत नींद में हुई है। जाह्नवी ने बताया कि वो नासिक में एक फैमिली फंक्शन में शामिल होने गए थे, वहां विकास की कुछ तबीयत खराब हुई थी लेकिन वो अस्पताल नहीं जाना चाहते थे। जब मैं उन्हें उस सुबह करीब 6 बजे जगाने गई तो दुनिया को अलविदा कह चुके थे। वहां डॉक्टरों ने कहा कि उनका निधन रात में नींद के दौरान ही हार्ट अटैक से हो गया। विकास शेट्टी का शव बाद में मुंबई भेजा गया। सोमवार को मुंबई के एक ऊपर अस्पताल में उनका पोस्टमार्टम किया गया और पोस्टमार्टम के बाद अब उनका अंतिम संस्कार हो चुका है। विकास शेट्टी अपने पीछे अपने परिवार, अपनी माँ, बीबी और दो जुड़वा बच्चों को छोड़ गए हैं। परिवार, दोस्त और टीवी इंडस्ट्री में शोक की लहर है। नींद में हुई इस मौत ने फैंस को झकझोर दिया है। विकास शेट्टी की अंतिम विदाई पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।